हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन सूखा मैंगलोरियन स्टाइल में। हमने ऑलरेडी मैरिनेट करके इसे फ्रिज में रखा था, हमने इसे निकाल लिया है। मैरिनेशन का सेम प्रोसेस है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जिसके लिए हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट, हाँ, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर और थोड़ा सा दही का इस्तेमाल किया है और इसे अच्छी तरह से मैरिनेट करके 4 से 5 घंटा फ्रिज में रख दिया है और इसे अब निकाल लिया है। अब हम चिकन सूखा की तैयारी करेंगे। मेथी दाना, काली मिरी और दालचीनी ले लिया है। अब हम इसमें धनिया डाल देंगे, थोड़ा सा बाउल धनिया ले लिया है। अब इसे अच्छी तरह से हम भून लेंगे। ये जैसे भून जाए हमें निकाल लेना है। एक स्पून ऑयल डालकर हमें इसमें रेड चिली, ड्राई रेड चिली लेना है, कोकोनट, अनियन मैंने काट के रखा था और लहसुन, ये अच्छी तरह से डाल के हमें भून लेना है। ये बॉइल हो गया है मसाला और अनियन वगैरह का फ्राई हो गया। अब इसे हम मिक्सर में निकाल लेंगे, ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हमें इसे ड्राई ही पीसना है मोस्टली। अगर ये नहीं पीस सकते हैं आप, थोड़ा थोड़ा वाटर का इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा वाटर यूज़ नहीं करना है हमें। और इसे मोस्टली ड्राई पीस करके निकाल, अब इसे हम ऐसे ही ठंडा होने देंगे। कढ़ाई में हम ऑयल ले लेते हैं। ये करीबन हमने 2 बड़े स्पून ऑयल लिए हैं क्योंकि हमें चिकन को इसमें फ्राई करना है, हमें वाटर का इस्तेमाल नहीं करना है। हमें थोड़ा राई ले लेना है, जीरा, दालचीनी और तेज़पत्ता, काली मिरी 2-3 लौंग, थोड़ा सा अनियन, कड़ी पत्ता, 2 ग्रीन चिली जो हमने स्लेट करके रखा है वो हम डाल देंगे। मैंगलोरियन चिकन में कड़ी पत्ता बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। थोड़ा सा अनियन हमने, छोटा सा अनियन डाला है। अब हम इसमें चिकन को धीरे धीरे डाल देंगे। ये चिकन थोड़ा बड़ा बड़ा पीसेज हैं, आप चाहें तो एकदम छोटे छोटे पीस करवा सकते हैं क्योंकि सूखा चिकन के लिए छोटा छोटा पीस अच्छा होता है। ये मुझे अच्छी तरह से इसे भून लेना है। ये भूनकर मुझे अब इसे कम आंच पर करीबन इसे मुझे 90% तक पकाना है। 90% इसको अच्छी तरह से मसाले में पक जाना चाहिए। इसे मैं अभी ढक कर टोटल 20 मिनट तक इसे मैं अच्छी तरह से ढक कर पकाना है। और जो भी मसाले की ज़रूरत नहीं है इसमें थोड़ा सा सॉल्ट इसमें डाल देंगे। करी पत्ता डालने की वजह से इसका टेस्ट एकदम मैंगलोरियन करी की तरह आ रहा है। अपने आप चिकन में पानी छोड़ दिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा टमाटर डालूंगी ताकि वो चिकन के साथ ही गलता रहे। इसे मैं ढक दूंगी। अभी तक 20 मिनट्स हुआ नहीं है, ये मसाला मैंने रख दिया है। अब इसे मुझे इसको अच्छी तरह से बारीक करना है। तो आप इसे ड्राई पीसेंगे तो शायद थोड़ा अटकेगा, तो इसके वजह से आप क्या करिए, थोड़ा सा वाटर इसमें इस्तेमाल कीजिए, करीबन 2-4 स्पून। ये हमने मसाला इस तरीके से पीस लिया है। अब इसे हम चिकन पे डाल देंगे और इसे 10 मिनट तक चिकन के साथ पकाएंगे। हमारा 20 मिनट हो गया, हम चिकन देख लेते हैं। हमने मसाले भूनने के लिए थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल किया था और चिकन में हमने ज़रा भी पानी नहीं डाला है। ये मसाला अच्छी तरह से निकाल रहा है, ये मसाला अच्छे से निकाल लिया है। अब इसे हम, आप मिक्सर में अगर थोड़ा सा मसाला लगाओ तो आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पानी नहीं डालना है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा से ये पक गया है। चिकन भी अब मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो चिकन भी ऑलरेडी पक गया है। अब इसे हमें 10 मिनट तक मसाला लगा के इसे ढक कर पकाना है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और डाल सकते हैं, बाकी मुझे और कोई मसाला डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सारे मसाले पड़े हैं इसमें।
इसकी मैंने थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाल दिया है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है राइस के साथ, चपाती के साथ, या आप भूखा भी खा सकते हैं इसे। कोई कोई इसे मैंगलोर में इसे इडली के साथ, डोसे के साथ खाया जाता है। हमारा चिकन सूखा रेडी है। हम इसे अच्छी तरह से स्टर करके अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना टेंडर बना है। इसे हम चपाती के साथ सर्व करेंगे। आपको हमारा रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।